वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा लप्पड़ पुराण में, उसमें ये मंत्र है हिम क्लिम कोल्ड क्रीम यादव डीएम भ्रीम भ्रीम। अगर आप ये बोलेंगे दोहराएंगे ना, तो डीएम जो है पक्का से वो पक्षी बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा, आप जो बोलोगे वो बन जाएगा। तो मैंने आपको मंत्र भी बता दिए। सस्पेंड वस्पेंड क्या होता है, मतलब ये सब क्या होता है यार, ये हमारे जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आप तो स्पेशल हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बीक। इस समय कोरोना ने देश में तबाही मचा रखी है, लेकिन साथ ही साथ इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग शादियां भी कर रहे हैं, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है। शादी से जुड़ी एक खबर त्रिपुरा के अगरतला से आई, वहां पर एक शादी हो रही थी, देर रात शादी हो रही थी, जो कर्फ्यू का टाइम 10 बजे था, उसके बाद वो शादी हो रही थी। तो वहां पर उस इलाके के डीएम जो हैं शैलेश यादव, वो पहुंच गए अपनी टीम के साथ, उस शादी समारोह को रोक दिया। वहां पर जो लोग थे उन्हें धमकाया, उनको डाटा कि क्यों आप कर्फ्यू से ज़्यादा समय तक अपनी ये शादी को परफॉर्म कर रहे हैं। लोगों ने बोला कि शुभ मुहूर्त जो है वो 11 बजे का है और कर्फ्यू टाइम तो 10 बजे का है, तो इसलिए वो शादी के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो जो डीएम थे वो भड़क गए, वहाँ पर लोगों के साथ उन्होंने बदसलूकी भी की और शादी को रोक दिया। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि वहाँ पर जो पंडित था, जो पुजारी था, उसको शैलेश यादव ने थप्पड़ मार दिया। बहुत ज़ोर का थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन एक थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद वो तस्वीरें तमाम टीवी चैनल्स में घूम रही हैं, सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, उस पर पोस्टर्स बना के लोग शेयर कर रहे हैं, और लोग दावा कर रहे हैं कि जो डीएम है उसने हिंदू संस्कृति का अपमान कर दिया, हिंदू जो परंपरा है उनका अपमान कर दिया। एक पुजारी को भला कैसे थप्पड़ मारा जा सकता है, यानी ब्रह्म हत्या को जैसे शास्त्रों में सबसे बड़ा अपराध बताया गया है, उसी से ब्रह्म लप्पड़ या ब्रह्म थप्पड़ को सबसे बड़ा अपराध वो बता रहे हैं। और अगर आप अभी सोशल मीडिया खोलेंगे, आप ट्विटर पर जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि सस्पेंड डीएम शैलेश यादव एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक हैशटैग ये है आई सपोर्ट शैलेश यादव, ये भी एक ट्रेंड वहाँ पर चल रहा है ट्विटर पर। और दो धड़े बन गए हैं, दो नैरेटिव बन गए हैं, जो एक डीएम को सस्पेंड करने की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि डीएम अपने सिर्फ काम को कर रहे थे और जब शादी के लिए परमिशन 10 बजे से पहले की है तो उसके बाद क्यों रखा गया। आज जब मैंने सोशल मीडिया पर यह खबर पढ़ी, इसके बारे में देखा, तो मुझे जो एक बुनियादी सवाल मेरे जहन में आया वो ये था कि जो पंडित वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आया था, जो सात फेरे कराने के लिए और जो रीति रिवाज होते हैं उसे करने के लिए पंडित वहाँ पर आया था, उसके बारे में एक सवाल मेरे दिमाग में कौन था, ये बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जो पंडित है उसने शुभ मुहूर्त जो है वो देख के बहुत सारे भविष्य की बातें देखी होंगी, उसमें ग्रह नक्षत्रों के जो चाल है, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है, वो सब देखा होगा। और भविष्य में जाके, बिकॉज दे हैव टाइम मशीन, उनके पास एक टाइम मशीन है जिसके ज़रिए वो भविष्य में जाते हैं और देखते हैं कि इस खास मुहूर्त में, इस खास मोमेंट में अगर आप शादी करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ये मतलब ज़बरदस्त उनके पास एक टाइम मशीन है। तो वो व्यक्ति, पंडित ने जब मुहूर्त देखा, तमाम गुण मिलाए, तमाम राशि देखी, तमाम ग्रह नक्षत्र की चाल देखी और भविष्यवाणी की कि इतने बजे आप 11 बजे शादी कर लीजिए तो सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर ये इतना बखेड़ा हो क्यों गया? तो ये इतना अशुभ चीज़ें कैसे हो गई जब एक पंडित ने शुभ मुहूर्त निकाला था? तो ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस शुभ मुहूर्त से अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता था, वो तो बहुत ही अच्छा समय था जो पंडित ने बताया था, तो ये सब होना ही नहीं चाहिए था। पंडित की इसमें गलती मेरे को नज़र आती है कि उसने जो अपना काम या तो अच्छे से नहीं किया या फिर उसकी गड़बड़ है कुछ, उसमें जो शुभ मुहूर्त बताया उसमें गड़बड़ है। और साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी सवाल आता है कि जो पंडित भविष्य देकर बता सकता है, सब कुछ भविष्यवाणी कर सकता है, तो उसने ये क्यों नहीं बताया कि इतने बजे इस शादी के समारोह में, इस बैंकेट हॉल में डीएम का छापा पड़ने वाला है, डीएम रेड करने वाले हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि शैलेश यादव जो डीएम है वो आएंगे और 10:55 पे या 40 मिनट पे या 25 मिनट पे मेरे को एक थप्पड़ मारेंगे? ये भविष्यवाणी जो वो पंडित है वो क्यों नहीं कर पाया? वो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, उसके साथ 10 से 11 बजे के बीच में क्या होने वाला है, वो ये क्यों नहीं बता पाया? उसको ये भविष्यवाणी करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास तो तमाम विद्याएं हैं, ग्रंथों में उन्होंने ये लिखा है कि उनके पास वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनको बहुत सारी जानकारी होती है, उनके पास बहुत खजाना है और ईश्वर के दूत हैं और तमाम वो बातें लिखते हैं, वो भविष्य बता सकते हैं। हाथ देख के, बाबा हाथ देख के बता देते हैं आपकी शादी कब होगी, आपको नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, वो तमाम चीज़ें बता देते हैं, माथे की रेखाएँ पढ़ लेते हैं। जब इतना ज्ञानी आदमी है, इतना सब कुछ उसको मालूम है, तो उसे ये क्यों नहीं पता चला कि इतने बजे उसे थप्पड़ पड़ने वाला है? तो मुझे इसमें जो है ना पंडित की गलती नज़र आती है यहाँ पर,
क्योंकि उसने या तो अपना काम सही से नहीं किया या फिर वो विद्याएं जो उसने सीखी हैं वो झोला उठा के निकल जाता था, वो पढ़ता नहीं था, उसको अच्छे से जानकारी नहीं है और वो लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो जो लोग उसको शादी करने के लिए बुलाते हैं वो उनके साथ खिलवाड़ है, उनकी धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं क्योंकि उसको तो सही से मालूम नहीं है, वो भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा, तो उस पर धार्मिक भावनाएँ आहत करने का केस दर्ज होना चाहिए और उस पर धोखाधड़ी 400 BC का भी केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया, वो भविष्यवाणी नहीं कर पाया, उसने लोगों को धोखे में रखा, उसने दूल्हा दुल्हन को बेचारे उनके कितने अरमान होंगे कि शादी करेंगे या हनीमून पे जाएंगे, हाँ कितने सारे अरमान होंगे उनके बेचारों के, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए, शादी भी नहीं हो पाई, उल्टा हवालात में हवा जाना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी, तो पंडित ने सबको धोखे में रखा, उस पर 420 का केस होना चाहिए और उसने अपना काम सही से नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएम ने जो किया वो सही है, मैं डीएम के थप्पड़ मारने की निंदा करता हूँ, हिंसा की निंदा करता हूँ और जितने भी कड़े शब्द हैं, जितने भी कड़े शब्द आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, एकदम राजनाथ के माफिक, जो गृहमंत्री राजनाथ सिंह जो हमले की, जो चीनी पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, वैसे ही मैं बहुत 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 सारे कड़े शब्दों में मैं इस थप्पड़ की निंदा करता हूँ कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था यार, आप डीएम आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ, उठा के जेल में डाल देते, उसको तमाम धाराएँ कानून हैं तो उसको जेल में डाल देते, ये अभी वैसा दौर थोड़ा ही है मनुस्मृति का कि एक ब्राह्मण अगर कोई गलती करे तो उसके साथ खून माफ़ है, उसको तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसके ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता, उसको किसी भी तरह की सजा नहीं हो सकती है, मनुस्मृति का दौर थोड़ा ये संविधान चल रहा है, उसको जेल में डाल देते उठा के, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। खैर इस ये तो डीएम की बात है, शैलेश यादव किन परिस्थितियों में ये हुआ ये तो वही बेहतर जानते हैं, हालांकि अगर आप अभी सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लोग उनको सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो एक ब्राह्मण पुजारी को थप्पड़ मारा तो उससे हिंदू धर्म के ऊपर आघात हुआ है और हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि एक ब्राह्मण जिसने गलती की है, जो कोरोना के कर्फ्यू टाइम से बाहर जाके परफॉर्म करा रहा है कोई धार्मिक रिचुअल्स को, उससे उसने गलत किया है तो आप उसको पहले एक्सेप्ट करें कि वो गलत कर रहा है और फिर इस बात के को आप कंडेम कर सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने धर्म से जोड़ रहे हैं तो इससे आपके धर्म पर कैसे खतरा हो गया? वो तो एक इंडिविजुअल के तौर पर वहाँ पर अपना दिहाड़ी मजदूरी करने गया, वो तो जैसे टेंट लगाने वाले टेंट लगाने के लिए वहाँ पर गया, जो कैटरर था वो खाना पहुँचाने वहाँ पर गया होगा और भी तमाम फूलों की सजावट से लेके और कैमरा चलाने वाले फोटोग्राफर्स और वो तमाम लोग वहां पर हो, तो उसी तरह वो बेचारा एक वर्कर है अपना काम करने के लिए गया हुआ था वहां पर, उसे आप अपने धर्म से क्यों जोड़ के उसे कह रहे हैं कि आपके धर्म पर हमला हो गया? कहीं आप उसमें उसकी जाति तो नहीं देख रहे हैं? आपको ये तो नहीं लग रहा कि जो यादव डीएम है, जो यदुवंशी यादव आहिर है, जिसको चतुर वर्ण में आपने शूद्र श्रेणी में रखा है और उसको एकदम अपने पैरों के नीचे रखने आपका चतुर वर्ण में व्यवस्थाएं हैं, तो एक शूद्र डीएम कैसे एक ब्राह्मण को थप्पड़ मार सकता है, यादव कैसे उसको मार सकता है? कहीं इससे तो आपको चोट नहीं लगी है? आपको अगर ये बात लगी है तो ये बहुत गलत बात है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप तो कहते हैं कि सब लोग हिंदू हैं, शूद्र भी अगर हिंदू हैं तो फिर एक हिंदू ने उसको मारा, तो इसमें आपको क्यों इसमें दिक्कत होनी चाहिए? आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदू ही तो है, किसी मुसलमान ने थोड़ा ही मारा, आपको तो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। अगर हाँ ये सोचिए, अगर ये वाला जो डीएम है शैलेश यादव किसी निकाह में पहुंच जाते, किसी मुस्लिम शादी में पहुंच के ऐसा ही मंजर होता, ऐसे ही इसी तरह से लोगों को डांटते, उनको भगाते वहां पर, तो आप उसे सोशल मीडिया का हीरो बना देते, आप उसकी बहुत तारीफ करते और उसे तमाम देश का हीरो बना देते कि उसने देखो कैसे ये जो मुल्ला मौलाना है ये पगलाए हुए थे, इनकी अकल ठिकाने लगा दी तो। लेकिन आप एक क्योंकि पुजारी को पड़ गया थप्पड़ तो आपकी सारी धार्मिक भावनाएं जो है इधर हो गई, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसको तो आप हिंदू ही कहते हैं ना, तो आप देख लीजिए उसमें कोई दिक्कत ज्यादा बात है नहीं। फिर इसको सस्पेंशन की बात आप कर रहे हैं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि बार बार आप ट्विटर पर हैशटैग चला रहे हैं कि सस्पेंड कीजिए। यार आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आर्य पुत्र हैं, आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? मुझे आपको बताना पड़ रहा है, मतलब उनको कोई श्राप दे दो ना यार, मतलब एक श्राप दे दो और राख कर दो। हमने महाभारत में और रामायण में सीरियल्स में सब देखा है, रामानंद सागर का सब हम देखा है उसमें कि कैसे श्राप देते थे और सामने वाला राख बन जाता था और गायब हो जाता था, कुछ भी मतलब पशु बन जाता था, कुछ भी हो जाता था, तो ऐसा आप एक श्राप दे क्यों नहीं दे देते? यू हैव लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ वर्च्यू, यू हैव मैजिकल पावर्स यू हैव, तो कोई मैजिकल पावर दिखाइए। और एक मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जो है मतलब कोई भी जो लप्पड़ पुराण है ना, लप्पड़ पुराण में 14 नंबर पेज पर जाएंगे तो श्लोक नंबर 18 में ये लिखा हुआ है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा लप्पड़ पुराण में, उसमें ये मंत्र है, हिम क्लिम कोल्ड क्रीम यादव ब्रिम ब्रिम, अगर आप ये बोलेंगे दोहराएंगे ना तो डीएम जो है पक्का से वो
वो पक्षी बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा, आप जो बोलोगे वो बन जाएगा। तो मैंने आपको मंत्र भी बता दिया, सस्पेंड वस्पेंड क्या होता है, मतलब ये सब क्या होता है यार, ये हमारे जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आप तो स्पेशल हैं, है नहीं, हम आम लोगों के लिए हैं कि जब हम बोलेंगे कि डीएम को सस्पेंड कर दो, आप लोग तो मतलब बहुत ज्ञानी शक्तियाँ, वर्चुअल पावर्स, उसका यूज़ करो। आप क्यों, आपको आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए और शांति दीजिए डीएम को। अब कोरोना काल में सारे के सारे जो तमाम धार्मिक संगठन हैं, मंदिर हैं, वो तमाम बड़े बड़े मंदिर, हज़ारों करोड़ का उनका बजट है, वो सब अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। आपसे दान लिया, आपसे पैसा लिया, लेकिन आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वेंटिलेटर खरीदने के लिए, ऑक्सीजन खरीदने के लिए, वैक्सीन खरीदने के लिए, वहाँ से डोनेशन नहीं आ रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। और कोरोना काल में जब वहाँ से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी मदद खुद करनी चाहिए, एक आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जो भी आप मदद कर पाएँ, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी आप बता पाएँ, वैक्सीन कहाँ मिल रही है ये बता पाएं, इस तरह की तमाम जानकारी शेयर करें। और अगर आप कोरोना से ग्रसित हुए थे और अभी आप ठीक हो चुके हैं और आप प्लाज्मा डोनेट करने की श्रेणी में आते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं, तो मेरी अपील है, पर्सनल अपील है आप लोगों से कि प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पिछले 2-3 महीने का ही एक पेशेंट जो है वो एलिजिबल होता है, तो आप लेट करेंगे तो आपका प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता, और इस प्लाज्मा से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। तो मेरी पर्सनल अपील है कि प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें। फेसबुक पर जो साकिब हैं वो रियल लाइफ हीरो हैं और प्लाज्मा डोनर्स नाम से एक ग्रुप चला रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग तमाम जानकारी डालते हैं कि कहाँ दवाई मिल रही है, कहाँ सिलेंडर मिल रहा है, और किसको प्लाज्मा की ज़रूरत है, कहाँ प्लाज्मा दिया जा सकता है, तो वो तमाम जानकारी देते हैं। वहाँ पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो अपने आसपास भी लोगों से आप कॉन्टैक्ट में रहें, और जहाँ ज़रूरत हो तो प्लाज्मा डोनेट ज़रूर करें, मेरी अपील है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और एक दूसरे की मदद करते हैं जब 1 से 11 बनते हैं, तो शक्ति का एहसास होता है, और जो शक्ति आप में होती है, फिर उससे जो सामने वाला दुश्मन है वो डरकर भाग जाता है। तो ज़रूरत है कि आप एकजुट हों, एक साथ आएं और इस वायरस को हराकर भगा दें। तो एकजुट रहें, और इसी एकजुटता का जो परिचय है वो भीमा कोरेगांव की लड़ाई में भी हमको देखने को मिला था। 1 जनवरी 1818 को जो पुणे की भीमा कोरेगांव में युद्ध हुआ था पेशवाओं और मराठा की सेना के बीच में, वहाँ पर भी हमें इस एकजुटता का परिचय मिलता है। ये फिल्म है जो 17 सितंबर को रिलीज हो रही है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, और ये फिल्म आपको करोड़पति बना सकती है। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म आपके लिए लाई है सुनहरा मौका। 500 रुपए का VIP पास खरीदो और 1 करोड़ रुपए का बम्पर इनाम जीतो। साथ ही आप जीत सकते हैं 21-21 लाख रुपए के 5 इनाम। VIP पास खरीदने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। इस QR कोड की मदद से आप UPI, गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के जरिए भुगतान कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने पास खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप रमेश थिएटर फिल्म्स के अकाउंट में सीधे पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट्स की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। पैसे ट्रांसफर होने के बाद आपको 2 काम करने हैं। आपको पैसे ट्रांसफर होने का स्क्रीन शॉट लेकर 9893488975 पर WhatsApp करना है। इसी WhatsApp नंबर पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस भी भेजना है जहां आपको ये VIP पास मंगवाना है। आप स्क्रीनशॉट के साथ उसी शहर का एड्रेस भेजें जहां आपको फिल्म देखनी है। फिल्म रिलीज होने के 3 दिन पहले आपको आपके शहर के पास वाले सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए टिकट भेज दी जाएगी। तो जल्दी करें, फिल्म देखें और करोड़पति बने। तो आपके पास मौका है, आप ये VIP पास खरीद सकते हैं। और जाते जाते मैं बस आपसे ये कहूँगा कि मैं तो कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ थप्पड़ की, लेकिन आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपनी राय दें कि जो DM साहब ने किया, जो DM शैलेश यादव ने किया, वो क्या सही था। और यदि शैलेश यादव की जगह शैलेश शर्मा होते, शैलेश ठाकुर होते, शैलेश सिंह होते, तो क्या ये जो रिस्पॉन्स है लोगों का वो इसी तरह का होता क्या, वो भी एक देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इसे बनाने में मेरी मदद करिए मेरी सहयोगी अजरा परवीन। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और कोरोना वायरस से बचकर रहें।